चलिए दोस्तों, इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू दिया है, तो हम लोग इसे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसका वैल्यू मांगा है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक इधर मैं लिखता हूँ, इस पर लिखता हूँ हाफ इज टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में। हाँ, उसके बाद क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट शुरू होता है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर, जेड माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, ए नहीं होगा, एक्स लिख रहे, एक्स एक्स स्क्वायर करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये होगा इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किसका, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फिर से पुट कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे, हाँ उतना दूर नहीं जाना हम लोग को। हाफ है, हाफ के साथ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा। देखिए एक्स ये है, हाँ वाई ये है और जेड ये है। तीस या नब्बे और तीन दो पाँच, पाँच दस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 100 निकला, इतना आपको पता चला। फिर ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है। अब देखिए थर्ड ब्रैकेट में पहले क्या है, एक्स माइनस वाई, तो एक से माइनस वाई करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस एक आएगा। माइनस एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। हुआ, इतना पता चला आपको। फिर देखते हैं उसके बाद वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड पत्ती से दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, और पैंतीस से तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आएगा। इधर देखिए हम लोगों का वैल्यू क्या निकल के आया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको पूछ लेता हूँ थोड़ा सा सिर्फ। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर दिया, हाँ तो हम लोगों का बच रहा है हाफ इज टू हंड्रेड इज टू कितना, चार नौ चार तेरह एक चौदह, ये बच रहा है हम लोगों का। तो इसको क्या करना है, अब अगर दो से सात बार में काट दें तो कितना जवाब आ रहा है, 700, ये आ रहा है। कितना जवाब आ रहा है, 700। ऑप्शन में तो 700 नहीं है, ये चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये पिछला वाला मैथ का, मतलब मैंने एक पिछले एक वीडियो बनाया था उस मैथ का, ये शायद सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 700। चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।